Hey guys, welcome back to our channel OP Bros Reaction. So guys, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं यार सभी लोग आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और ये आप ही लोग की रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज जो हम जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं ये ओएसटी है कोई चांद रख और इसके लेजेंड सिंगर हैं जो राहत फतेह अली खान साहब। और यार ओएसटी के नाम सुनते ही हमारे व्यूवर्स जो है यार उनके चेहरों पे यार वो एकदम अलग तरह की यार वो चमक आ जाती है। और आज हम लोग यार बैक टू बैक हम लोग ओएसटी पर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये काफी मुझे लगता है फेमस ओएसटी है शायद कोई चांद रख और इसके व्यूज भी काफी ज्यादा हैं। एआरवाई डिजिटल की तरफ से है ये ओएसटी और देखने वाली बात होगी यार ये कैसी है। राहत सर हैं तो जबरदस्ती होगी। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी वीडियो है यार वो आप लोगों को फेसबुक पेज पे और यार इंस्टाग्राम पेज पे मिला करेगी और यार जो हमारी रिएक्शन है वो आपको यूट्यूब पे मिला करेगी। यार जल्दी से जाएं और वहां से आकर के हमारी रिएक्शन को देखें। कोई चांद रख यार कितनी खूबसूरत ओएसटी है और राहत सर की आवाज तो भाई लेजेंडरी सिंगर और उनके ऐसा तो मुझे लगता है कि वो वन ही पीस है यार और जबरदस्त। जब भी वो किसी उनका कोई सॉन्ग सुन लें या आप उनकी ओएसटी सुन लें तो सर दिल जीत लेते हैं। उनकी क्या तारीफ करें, हमारी हैसियत नहीं है उनकी तारीफ कर सकें। और इसमें जो भी यार कास्ट नजर आ रही थी और पाकिस्तानी ड्रामों की यही खासियत है यार कि कास्ट जो होती है वो काफी खूबसूरत होती है, एक्टिंग जबरदस्त होती है, कहानी स्टोरी जबरदस्त होती है। और इसमें मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इसको समझने का ओएसटी को लेकिन भाई कुछ फिलहाल कुछ कुछ हाथ लगा कुछ आपके हाँ कुछ ये समझ में आ रहे थे कि ये मोहब्बत की कुछ सीन चल रही है, लगता है कि शादी नहीं हुई। और यार अभी तक यार मेरे लिए यार अभी तक ये फेवरेट होने वाली है क्योंकि यार हो चुकी है ना हो चुकी है। और यार क्या अंदाज से राहत फतेह अली खान सर ने गाया। प्लस एक बात और है यार कि जो ओएसटी की कास्टिंग थी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, वो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस की यार वो लुक थे काफी जबरदस्त थे। और यार एक तरह से मैंने कई बार ऐसा कहा है यार कि वो उनकी जो बजट होती है यार वो बहुत कड़ी हाई लेवल पे होती है और यार इनकी सारी एक्टिंग है वो तो लगती है एकदम रियल हो रही है। शादियां हो रही हैं तो उसमें भी भाई पूरे सीन लगे हुए हैं और एक्चुअल दिखाना है यार, ऐसा नहीं कि लगे कि यार सेट टाइप का सीन भी देखें भी सामने तो हमारे थे। और एक वो तमाचो वाला यार हर ड्रामे के इसमें एक ओएसटी में होता जरूर है और खासकर यार हम मुसलमानों के घर में पंगे काफी होते हैं तो जाहिर सी बात है कि थप्पड़ भी चलेंगे। और यार जबर एक चीज मैंने पता की है यार कि हमारे यहाँ क्या होता है यार कि जितने भी सीरियल्स होते हैं वो यार खास करके वो ये खवातीने देखा करती हैं यार, वहां जो पाकिस्तान में होते हैं यार वो मर्द हजरात भी देखा करते हैं, सारे लोग देखते हैं यार, बच्चे बूढ़े जवान औरत हो या लड़कियां हो सारे देखते हैं। और यहाँ ऐसा है यार कि अगर बंदा और लड़का अगर ड्रामा सीरियल देख रहा है तो यार उसको ऐब लग जाया करता है भाई अरे सीरियल देख रहा है क्योंकि यार या सास बहू चला करता है इसलिए हम लोग थोड़ा कमेंट कर देते हैं। और यार एक लंबी लिस्ट बना रखी है यार हमारे एक दोस्त काफी जाने माने यार नदीम भाई ने एक लंबी लिस्ट बना रखी है यार वो सारे ओएसटीज को सारे ड्रामे को फॉलो किया करते हैं और वो दोस्त और कमाल के ओएसटी होते हैं भाई की सुनना ही लाजमी है। और वो जो दोस्त की बात कर रहे हैं वो ननदन नदीम भाई है और कोई नहीं है भाई। और ये ओएसटी यार जबरदस्त लगी और आप लोगों को हमारी रिएक्शन कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। टिल देन टेक केयर।